का नाम इस लिस्ट में है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। 6 प्रत्याशियों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी की थी, उसमें भी 6 प्रत्याशियों के नाम थे। और आज एक और लिस्ट जारी की गई है, 6 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपनी किस्मत आजमाई, जीत दर्ज की, लेकिन बाद में 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ सीट उन्होंने छोड़ दी थी। और यहां पर जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को ही टिकट दिया था। उनके सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ थे और धर्मेंद्र यादव तब चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने 2024 में उनको ही आजमगढ़ सीट से चुनावी प्रत्याशी बनाया। तो इस वक्त बड़ा नाम समाजवादी की ओर से जो इस नई लिस्ट में है वो है धर्मेंद्र यादव का नाम। आजमगढ़ से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। उपचुनाव के दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी के लिस्ट में यादव परिवार के कई नाम है, धर्मेंद्र का नाम अब आजमगढ़ से जुड़ गया है, एक बार फिर वो आजमगढ़ से ही चुनाव मैदान में होंगे। 11-7-7 और उसके बाद ये 6 लोगों की लिस्ट। हालांकि इस लिस्ट में एक व्यक्ति को मिश्रित से जो है बदलाव किया गया है, मनोज राजवंशी को जो है टिकट दिया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो धर्मेंद्र यादव का जो पता है टिकट काटा गया था और शिवपाल सिंह यादव को वहां से उतारने का फैसला किया गया था और धर्मेंद्र यादव को कन्नौज का और आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया था। तो सवाल ये उठने लगा था क्या इस बार धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस बात का जिक्र आप कर रही थी कि इससे पहले जो बाई इलेक्शन था उसने वो हार गए थे बाई इलेक्शन, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन्हीं पर यकीन दिखाते हुए धर्मेंद्र यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया है। खबर ये थी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कन्नौज, दूसरा आजमगढ़। लेकिन अभी बात साफ हो गई है कि अखिलेश यादव सिर्फ 1 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कन्नौज की सीट है। हाल के दिनों में जो MLC चुनाव हुए हैं उसमें गुड्डू जमाली को और बलराम यादव को समाजवादी पार्टी ने MLC पद के लिए भेजा है और ये इलाका यादव मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। तो ऐसे माना जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव के लिए ये इलेक्शन कहीं ना कहीं से पिछले चुनाव की तुलना में जो है उनको जाना होगा चुनाव में। हालांकि रिजल्ट बाद में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन धर्मेंद्र यादव के लिए 1 सीट सुरक्षित कहीं ना कहीं से ढूंढ ली गई है। हालांकि जो ये खबर थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उस पर अब विराम लग गया है। अलाउद्दीन, कयास ये लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव एक बार फिर से आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, खासतौर से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तो चैलेंज भी किया था कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र यादव के नाम पर मुहर लग गई है आजमगढ़ को लेकर, तो अखिलेश यादव के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया है और इशारा किया है कि कन्नौज से चुनाव लड़ने कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 4 महीनों के जो डेटा को निकाल कर देखेंगे तो अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा सफर कन्नौज में हुआ है। कन्नौज में किसी की शादी हो, किसी का निधन हो, श्रद्धांजलि सभा हो, स्कूल कॉलेज की छोटे कार्यक्रम हो, तो इन तमाम चीजों से इशारा ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कन्नौज में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। जबकि जब आजमगढ़ में उनके सफर के डेटा को देखेंगे तो वो सफर अब पिछले 3-4 महीनों में से 2 सफर दिखाई देता है, ऐसे में कन्नौज में उनका आना जाना ज्यादा। तो ऐसे में जो राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, कई बार राजनीति में चीजों को देख करके और एक्टिविटी से अंदाजा लगाया जाता है कि आखिर नेता किस तरह कदम उठाएगा, तो ऐसे में दिखाई दे रहा है। इससे अनुमान है कि कन्नौज जो इस वक्त बीजेपी के खाते में है, लोकसभा सीट सुब्रत पाठक वहां से सांसद है, तो कन्नौज वापस समाजवादी पार्टी की झोली में आ जाए और इसके लिए अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनावी मैदान में नजर आएंगे, शायद इस तरह की उम्मीद है। अलाउद्दीन, ये भी बताएं कि अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से कितने नाम, कितने चेहरे सामने रख दिए गए हैं। ये समाजवादी पार्टी की ये 5वीं लिस्ट थी जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था, एक लिस्ट कल भी आई थी। तो समाजवादी पार्टी की जो पहली टोटल लिस्ट थी जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नामों की घोषणा की थी, जिसमें जो है सबसे पहला नाम शफीकुर रहमान बर्क, हालांकि उनका निधन हो गया। उसी लिस्ट में फिरोजाबाद से अक्षय यादव, उनके परिवार से मैनपुरी से डिंपल यादव थी, एटा बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम था लेकिन बाद में चेंज हो गया था। उसमें लखनऊ की सीट भी थी पहले लिस्ट में, इसके अलावा बांदा की सीट थी, फैजाबाद अंबेडकर नगर की सीटें थी पहली लिस्ट में। दूसरी लिस्ट में वेस्ट यूपी पे वो भी फोकस थी, मुजफ्फरनगर, आंवला, हरदोई उसमें शामिल था। और जो तीसरी लिस्ट थी मध्य उत्तर प्रदेश और वेस्ट की एक सीट थी कैराना की, और तीसरी लिस्ट से बदायूं से शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल किया गया था और धर्मेंद्र यादव का नाम काटा गया था, वाराणसी का नाम शामिल हुआ था। और उसी तीसरी लिस्ट में ही धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान हुआ था कि आजमगढ़ और कन्नौज का उनको प्रभारी बनाया जा रहा है, क्योंकि चौथी लिस्ट कल आई थी जिसमें बिजनौर और नगीना का नाम था, नगीना से कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर रावण को टिकट दिया जाएगा। चंद्रशेखर रावण का टिकट, चंद्रशेखर रावण को अलबत्ता जो है इंडिया गठबंधन के तहत टिकट नहीं दिया गया।
मनोज कुमार से वहां साथ दिया गया, तो ये पांचवी लिस्ट है। कुल मिलाकर के पहली लिस्ट 16 की, दूसरी लिस्ट 11, तीसरी लिस्ट आपकी 7, चौथी 7 और ये लिस्ट 6 की है। हालांकि जो चौथी लिस्ट थी उसमें एक सीट भदोही की तृणमूल कांग्रेस को सपा ने दी है। जी उस लिस्ट ने लोगों को चौंकाया था, अलाउद्दीन चौंकाया इस इतिहास से था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने यहां उसको एक सीट दे दी है। आज जो लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट में कोई चौंकाने वाला नाम जो आपको लग रहा हो कि इसको शामिल किया गया और कोई एक नाम काटा गया? जी हाँ बिल्कुल, नाम जो काटा गया वो मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी को इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने वो टिकट काट दिया है। और इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जो कल लिस्ट जारी हुई है उसमें से एक दो नाम भी चेंजेस हो सकते हैं, खासतौर से उसमें बिजनौर का नाम शामिल है। ठीक है, तो पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी की फिलहाल यही दिख रही है कि उस जगह पर खासकर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ जो क्षेत्र रहे हैं, जो सीट्स रही हैं, वहां पर मजबूत चेहरों को उतारा जाए ताकि वहां पर जीत का परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा बने, संभावना ज्यादा बने। धन्यवाद आपका अलाउद्दीन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक और लिस्ट जारी हो चुकी है समाजवादी पार्टी।